देश में जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, तो 24 घंटे की बात करें तो उस दौरान 3,390 नए केस सामने आए हैं। तो देश में कोरोना के जो आंकड़े हैं वो 56,000 को पार कर चुके हैं। वहीं अब तक 56,342 मामले देश में सामने आए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि कोरोना से मौत का जो आंकड़ा है वो 1,800 को पार कर चुका है। तो देश में कोरोना से 1,886 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 24 घंटे में 103 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 16,539 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। तो देश में कोरोना के एक्टिव केस है 37,916। तो लगातार देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 56,000 के आंकड़े को अभी पार कर चुकी है। और ज्यादा जानकारी के लिए अमित दुबे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, अगर 24 घंटे की बात करें तो 3,000 से ज्यादा केस, नए एक्टिव केस जो सामने आए हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अब मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इस बार ये जो बढ़ोतरी है ये भी बड़ी बढ़ोतरियों में से एक है। जब 3,300 के आसपास मामले एक दिन में दर्ज किए गए और 56,000 से ऊपर संख्या हो गई। यही नहीं, कल जिस तरह से दिल्ली पुलिस कर्मी की मौत हुई थी, उसके बाद लगातार चाहे वो सेना हो, BSF हो, अर्धसैनिक बल हो, तमाम जगह जो है वो संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है। लोग जो है, जो एहतियात की बात कही जा रही है, वो एहतियात होने के बावजूद, हॉटस्पॉट होने के बावजूद इस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, ना सिर्फ प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय है। और यही बड़ी वजह, हालांकि कल जो बयान आया खासतौर पर एम्स के डायरेक्टर का, उन्होंने कहा कि जून तक जो संख्या है वो लगातार और ज्यादा बढ़ेगी, यानी पीक आवर जो है वो जून में होगा। तो इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरह संख्या बढ़ रही है आगे कितनी संख्या हो सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए।